आकर देसी कट्टे से मार दूंगा, शरद पवार को मिली जान से मारने की धमकी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को आज 13 दिसंबर मंगलवार को जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक एक अज्ञात शख्स ने पवार के घर सिल्वर ओक पर फोन कर पवार को मारने की धमकी दी और कहा कि वो मुंबई आकर देसी कट्टे से उन्हें जान से मार देगा। सूत्रों ने बताया कि फोन करने वाले शख्स ने हिंदी में धमकी दी। शरद पवार के बंगले पर पोस्टेड पुलिस ऑपरेटर की शिकायत पर राम देवी पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कल ही एनसीपी प्रमुख पवार का जन्मदिन था और आज जान से मारने की धमकी मिलने से खलबली मच गई है। पुलिस ने मामले को काफी गंभीरता से लिया है। धमकी भरा फोन करने वाले शख्स की पहचान भी हो गई है। धमकी देने वाले शख्स का लोकेशन ट्रेस किया गया है। संबंधित शख्स बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। दूसरी तरफ शरद पवार के कार्यालय से मिली जानकारियों के मुताबिक कॉल करने वाला शख्स मानसिक रूप से बीमार है या पहले भी एक बार इस तरह की धमकी दे चुका है। पुलिस ने तब उसे हिरासत में ले लिया था। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शरद पवार को धमकी देने वाला शख्स हिंदी में बात कर रहा था। वह कह रहा था कि देसी कट्टे से वह उन्हें जान से मार देगा, लेकिन जान से मारने की धमकी देने की वजह सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, हाल ही में राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। उन्हें यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से दी गई थी। बाद में पुलिस ने धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया था।